आजमगढ़ जिले के अतरौलिया विधानसभा के सपा कार्यालय पर चौहान प्रतिनिधि सम्मेलन का आयोजन हुआ। बता दें कि अतरौलिया विधानसभा क्षेत्र के नगर पंचायत अतरौलिया में स्थित समाजवादी पार्टी कार्यालय पर चौहान प्रतिनिधि सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद महेंद्र चौहान द्वारा चौहान समाज के लोगों से एकता के सूत्र में बंधने की अपील की गई और साथ ही बताया गया कि चौहान समाज का हित सपा में ही है। महेंद्र चौहान ने कहा कि हमारी जात के लोगों के शुभचिंतक सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के द्वारा हमारे समाज का भला हो सकता है। तो वहीं कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि पूर्व मंत्री बलराम यादव ने कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि सपा पिछड़ी जात की राजनीति करती है। सपा में पिछड़ी जातियों का और उनके लोगों का सम्मान है। हमें एक साथ मिल करके आगामी विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाने की जरूरत है, तभी हम सबका कल्याण है। तो वहीं महिला संगठन की महिलाओं ने भी चौहान कार्यकर्ता सम्मेलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और बड़ी जीत दिलाने का वादा भी किया। आज सुनाते हैं क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर संग्राम यादव ने अपने बयान में क्या कहा। देखिए, समाजवादी पार्टी को आज हर वर्गों का समर्थन है और विशेषकर पिछड़े और दलितों ने अंगड़ाई ले लिया। आंकड़ों का भी पूरा आशीर्वाद समाजवादी पार्टी के साथ है। आज हमें खुशी है, कभी कुछ दिन पहले हमारी सब ब्लॉक कमेटियों का गठन हुआ, फिर हमारे पास छात्रों नौजवानों का बैठक हुई। पूरे विधानसभा से बड़ी तादाद में नौजवान बैठक में शामिल हुए, आप सबने खुद देखा। आज हमारे चौहान समाज का हम बहुत आभारी हूँ कि हमारे क्षेत्र के जितने भी चौहान गाँव हैं, आज उन गाँव से निकल करके हमारी माताएँ बहनें, हमारे नौजवान, हमारे प्रधान, BDC, कोई बचा नहीं है जो बहुमत का नेता। आज हम प्रतिनिधि सम्मेलन किए थे और इस सम्मेलन के बाद जब हम आम सम्मेलन करेंगे तो आप देखेंगे कि पूरा का पूरा गांव का गांव वोट आज समाजवादी पार्टी को देने जा रहा है। आप चाहे जैसे चाहे सर्वे करा लें। इस तरह से और भी सम्मेलन होने हैं अभी आगे, पूरा लगातार जारी है। हर जातियों का नहीं, सामाजिक सम्मेलन है, सब वर्गों का होगा। छात्रों का हुआ है, जाति सम्मेलन नहीं था, छात्रों का था, संगठन का था। आज समाजवादी पार्टी बहुत जल्द व्यापारियों के बीच हम जाएंगे, बहुत जल्द हमारी माताएं बहनों के बीच जाएंगे, अगड़ों के बीच जाएंगे, पिछड़ों दलितों के बीच जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी ने बाबा साहब के संविधान को आघात पहुंचाने का काम किया है, हमारे आरक्षण को शिथिल करने का काम किया है। भारत के अंदर जितने भी हमारे संस्थान थे सरकार की, चाहे वो रेलवे हो, हवाई अड्डे हो, सबको बेच रही है। 3 काला कानून ला करके, कृषि कानून लाके आज 1 साल से ज़्यादा हो गया हमारा किसान आंदोलित है, लेकिन सरकार पर जू नहीं रेंग रही है। आज किसानों को गाड़ियों से कुचला जा रहा है, अभी तक गृह राज्य मंत्री का इस्तीफा नहीं हुआ। आज आए थे विश्वविद्यालय का उद्घाटन करने, शिलान्यास करने, और उस बजट में पैसा नहीं, प्रधानों के खातों से पैसा निकाला गया। प्रधान, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आशा बहू से लेकर के पंचायत मित्र से लेकर सेक्रेटरी, लेखपाल, सबको लगाया गया, सबको प्रताड़ित किया गया, सबके तनख्वाह से पैसा लेकर के रैली हो रही है। तो इस देश में मजाक करने का काम किया जा रहा है। तो उत्तर प्रदेश इस बदलाव के रास्ते पर है। माननीय अखिलेश यादव कल आजमगढ़ आ रहे और सरकार ने फरमान जारी कर दिया कि आप एक्सप्रेस वे, वो गाजीपुर एक्सप्रेस वे पे चढ़ना चाहते हैं और प्रधानमंत्री रहेंगे सुल्तानपुर। सुल्तानपुर में प्रधानमंत्री की सुरक्षा का खतरा हो रहा है, ये बहाना लेकर के सरकार जनता के जो बहुमत उन्हें मिल रहा है, जो गोरखपुर में जिस तरह से लोग उमड़ करके सड़कों पर आए, कुशीनगर में उमड़ करके लोग सड़कों पर आए, आज सरकार भय खा गई, सरकार डर गई है। सीआईबी इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें।